सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं अभीरा की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से बहुत ही बुरी चीज़ होने वाली है और सीरियल में ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बारे में पोद्दार फैमिली के किसी भी मेंबर ने नहीं सोचा होगा और कहानी पूरी तरीके से पलट जाएगी। तो आखिर सीरियल में ऐसा क्या होने वाला है, उसी के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देखा होगा कि जब अरमान को ये लग रहा होता है कि अभीरा उससे झूठ बोलती है, तब दादी से अरमान को ये समझाती नजर आती है कि अभीरा कभी भी किसी गलत मकसद से उसे झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन अभीरा का वही झूठ उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत आगे चलकर बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा जो ये फैसला कर चुकी होती है कि वो अरमान को अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बता देगी, लेकिन वो अपना फैसला तुरंत बदल देगी क्योंकि सीरियल में उसे डर होगा कि अरमान को जब पता चलेगा कि अभीरा की जान को खतरा है तो वो अभीरा के बच्चे को दुनिया में आने नहीं देगा और सीरियल में आगे चलकर अभीरा की जान पर ही बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। और सीरियल में करवा चौथ में भी यही ड्रामा चलने वाला है। अभीरा अपनी प्रेगनेंसी की सच्चाई अरमान को बताना चाह रही होगी लेकिन नहीं बताएगी, लेकिन सीरियल में जब अरमान अभीरा को सरप्राइज देने के लिए उसे बाहर ले जाएगा तब अभीरा बेहोश हो जाएगी। तब अरमान को ये पता चलेगा कि अभीरा प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है जहां अभीरा की जान भी जा सकती है, और अरमान तब भी अभीरा की जान को बचाने के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन अभीरा नहीं मानेगी और यही फैसला अभीरा के लिए सबसे बुरा होने वाला है। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ आप सीरियल में देख रहे होंगे कि कैसे मनोज पोद्दार फर्म के राइवल फर्म को ज्वाइन कर लिया है और वो उसका फायदा उठाते भी नजर आ रहे हैं, इस वजह से पोद्दार हाउस में बहुत बड़े ड्रामे होते दिख रहे हैं और आगे चलकर मनोज बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसने वाला है। वहीं अगर हम विद्या की बात करें तो विद्या करवा चौथ तक की रस्म में अभीरा को शामिल नहीं कर रही है क्योंकि विद्या को लगता है कि अभीरा कभी भी मां नहीं बन सकती है, लेकिन अब विद्या को पता चल जाएगा कि अभीरा मां बन सकती है और विद्या अभीरा और रूही की गोद भराई की रस्म करवाने की सोचेगी। विद्या जरा से भी ये नहीं सोचेगी कि अगर अभीरा बच्चे को जन्म देगी तो उसकी जान जा सकती है और ऐसा ही कुछ सीरियल में होने भी वाला है क्योंकि सीरियल में गोद भराई की रस्म के बाद अभीरा की जान पर बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है और अभीरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ती नजर आने वाली है। आपको क्या लगता है, इस समय विद्या जो कुछ भी कर रही है वो सही है या नहीं, कमेंट में आप जरूर बताएं।